हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल जस्ट चिल पे। आज मैं आपको अपने साथ ट्रॉपिकल स्पाइस प्लांटेशन, एक गोवा का बहुत ही फेमस टूरिस्ट स्पॉट है, यहाँ मैं आपको शेयर कराऊंगा। यहाँ पे आप देखेंगे नेचुरल स्पाइस जो हम डे टू डे में यूज़ करते हैं, उनकी सारी कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे खेती होती है। यहाँ पे उसने हमको पूरा टूरिस्ट गाइड ने एक एक पेड़ दिखाया और बहुत ही बड़ा वीडियो था, मैंने काफ़ी एडिट किया इसमें खास खास आपको दिखाने के लिए। मतलब मस्ट विजिट प्लेस है। काजू आपको दिखेंगे, मिर्चें दिखेंगी, सारी काली मिर्च, लाल मिर्च, दुनिया भर के मसाले सब आपको दिखेंगे। लगे रहिए मेरे साथ ऐसे टूर के लिए, मैं दिखाता हूँ आपको। ₹500 का टिकट है आदमी का, अंदर खाना वगैरह के साथ में है। Everywhere you can see the greenery. And here they serve food in ₹500 tickets. The buffet is there, you can have anything. प्लांटेशन के बारे में बताऊंगी। इधर जो है पूरा प्लांटेशन है 130 एकर्स में है। तो अबे हम पुराने ही घुमाएंगे, हम अभी लाइक छोटा सा डेमो प्लॉट दिखाएंगे और बताएंगे कि कैसे स्पाइसेस होते हैं और उसके मेडिसिनल यूजेस के बारे में बताएंगे। और ये जो फार्म है ना, दिस इज नॉट प्राइवेट प्रॉपर्टी, दिस इज नॉट गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, दिस इज द प्राइवेट वन। तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ है सानी की डिस्टिलरी, जो काजू फैनी आपने सुना है ना, ड्रिंक अल्कोहल, सो वो काजू फल से बनता है। आई कैन सी द मॉडल ऑफ कैशू। सो अभी तो ओरिजिनल देखने को नहीं मिलेंगे, इसका सीजन होता है मंथ ऑफ मार्च अप्रैल मई में, तो तभी ना ओरिजिनल फल आते लगे रहते हैं पेड़ को, ऊपर से फल और नीचे से नट होता है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, फल और नट को सेपरेट करते हैं, जो नट है उसको अलग से निकाल के सुखा के फैक्ट्री में बेच देते हैं, उससे वो काजू निकालते हैं। और जो फल होता है ना, वो बहुत सारे यहाँ एक जगह पे रख के उसको पैरों में मैश करके जूस एक्सट्रैक्ट किया जाता है। वो जूस को पहले बैरल में रखते हैं सड़ाने के लिए 8-10 दिन के लिए, और उसके बाद इस यहाँ इस भट्टी में डाल के आग दे के उसको उबाला जाता है। तो फर्स्ट स्टेप वुड बी कॉल्ड दैट इज उरक, माइल्ड अल्कोहल 9-10%। एंड सेकेंड डिस्टिल इज फैनी, फैनी इज मोर स्ट्रॉन्गर देन उरक, 40-45% अल्कोहल। उसका प्रोसेस अलग अलग होता है, बॉइल करके यही वाइट पेपर बन जाता है और इसको ड्राई करते हैं तो ये ब्लैक रहते हैं। ग्रेट, बट व्हाइट और उसमें टेस्ट में भी फर्क रहेगा। व्हाइट इज माइल्डर, व्हाइट इज माइल्डर, ब्लैक इज स्ट्रॉन्ग। जो पीली रंग की दिख रही है ना, अभी इसके अंदर ना एक सुपारी के अंदर 30 ml विस्की कंटेन है। अगर इसको छिल के पूरा खा लेंगे, जैसे कि पान खाते हैं ना वैसे, तो इसमें से नशा चढ़ेगा। हाँ, और इस पेड़ का ना आपको ये देखो रिंग्स जो बने हुए हैं ना, इससे पता लगता है कितने साल हो चुके हैं इसको। सो जैसे कि 1, 2, 3, 4 चार रिंग्स बोले थे, एक साल एक साल में चार रिंग्स। ये लाइन चिप्स का दे वाले ये देखो सब लगे हैं, ये ना इलायची के, जो हरी इलायची होती है ना चाय में डलती है, ग्रीन इलायची। और यहाँ देख लीजिए इलायची जो होती है ना हरे रंग की, ये ना ऊपर पत्तों को नहीं आती है, इलायची तो यहाँ से निकलती है, मतलब यहाँ से यहाँ ऊपर, मतलब मिट्टी के ऊपर से जड़ की तरह निकलता है और उसको लगती है। सो ऐसे इसको लगती है, ऐसा नीचे से, हाँ नीचे आती है ऐसे, जब लग जाती है ना तभी दिखती है कि लगी हुई है। कहाँ तो लगी भी नहीं है, अभी सीजन नहीं है ना, जून जुलाई में होता है। ओके, हाँ
सो एक पौधे से ना हमको 20 नहीं तो 30 ग्राम इलायची मिलती है, बहुत कम, 30 ग्राम बहुत कम है, इसलिए तो इलायची बहुत कॉस्टली होती है। तो इलायची 20 ग्राम अगर निकल गई तो ये पेड़ बेकार हो गया। नहीं नहीं, अगले साल इसी में फिर आएगा, ऐसे करके 20-25 साल तक देता है। ओके, और बड़ा होता है कि नहीं, इतना ही हाइट का होता है। सो इलायची का जो छाल होती है ना, हरी वाली ये जो छाल, उसको कभी बाहर नहीं फेंकना है, उसको चबा के खाना है, मेमोरी शार्प होती है। अच्छा, और उसके अंदर जो सीड्स है ना, उसका आप चाय बना के पी लो, डिप्रेशन के लिए अच्छा। ओके, सो दालचीनी आपने देखा है ना, कभी भी हमको मार्केट में से मिलती है रोल राउंड, राउंड जैसा मिलता है, ये देखो ऐसा वाला। फिर कैसे होता है पता है, जब ये पेड़ 10-12 साल का होता है ना, तभी नीचे से यहाँ तक 2 फुट छोड़ के उसको काट करके ड्राई करते हैं। तो ड्राई करने के बाद ये जो छाल जो होती है ना इस पेड़ की, ऐसे अपने आप निकल जाती है। तो इस पेड़ की छाल दालचीनी है, और इसी पेड़ का पत्ता जो है ना वो तेज पत्ता है। अरे ये तो पता ही नहीं था, दालचीनी एक ही पेड़। तो ये देखो दालचीनी हम निकाल देंगे ना, जो बच्चे का कौन सा पार्ट, ए वाला लकड़ी, इसमें का हम लोग ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड सिनेमन ऑयल। जॉइंट्स पेन, बॉडी पेन, मसल पेन, बैकबोन पेन, स्पाइन प्रॉब्लम के लिए अच्छा है। बस जब भी आप यूज करते हैं पेन के लिए, तो डाइल्यूट करके यूज करना है। जैसे कि आपने 25 ml नारियल का तेल लिया, तो उसमें 4-5 ड्रॉप सिनेमन दालचीनी का ऑयल डाल दीजिए, मिक्स करके हल्का सा ऐसा मसाज करना है डाउनवर्ड्स, ऐसा नहीं करना है कभी भी, एक साइड में करना है। आपके स्पाइन में प्रॉब्लम है तो नीचे सब एक ही साइड होना चाहिए, मतलब एक कवर कुछ काम का नहीं है। तो इसके अंदर जो नट होता है ना, ये वाला जायफल है, और इसको ना बाहर से चिपकी हुई रहती है, वो होती है फूल जावित्री। पता चल गया कैसे इसके अंदर जायफल है? ऐसे ना ये फूल होता है जाली की जैसा, जावित्री देखा है ना, एक्चुअली हमको मिलता है वो ऐसा चिपका हुआ मिलता है, एक्चुअल में नेचुरल ऐसा फ्लावर होता है, और फ्लावर के बीच में जायफल होता है। ओके, सो जावित्री एंड जायफल एक ही पेड़ में से निकलता है, और ये दोनों गरम मसाले में यूज होते हैं। पौधे जो है ना ये वाले बड़ी इलायची के, छोटी इलायची भी सिमिलर है, लेकिन इतना घास की जैसे नहीं, मतलब ऐसा नहीं होता है, इतना फैलाव नहीं होता, घना नहीं होता। हाँ, तो यहाँ देख लीजिए मोटी इलायची, यहाँ करो जूम, ये देखो ऊपर, देखो ये देखो, ये देखो, ये देखो, यहाँ यहाँ मैम थोड़ा पास में आ चुके, देखे अभी ये देखो, ये जो दिख रहे हैं ना मैंने हार जो लगाया, ये देखो यहाँ ऐसी आती है, एक ही नहीं आता है, 10-12 ऐसे इलायची होता है। इसी तरह वो छोटी इलायची नीचे से आती है, शूट्स निकालती है, बड़ी इलायची ऐसे ऊपर ग्रीन कलर की। ये क्या है? कैसा लगा मेरा चैनल दोस्तों? उम्मीद आपको पसंद आ रहा होगा। इफ यू रियली लाइक इट, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। ऐसे लगेगा मेरे साथ, ऐसे आपको चिल कराता रहूंगा, जस्ट चिल।